हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। यहाँ पर किसी और का नहीं फूटेगा अब गुस्सा कायरव का अभिमन्यु पर। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अभिमन्यु को अपनी गलती का एहसास होगा और देख दूसरी तरफ यहाँ पर अक्षरा सारे सबूत ले जाकर पुलिस पे देते नजर आएगी। वहीं पर अभिमन्यु को भी जब पछतावा होगा और उसके दिए सबूत अब देखने को मिलेगा उसे अपने ही कमरे में मिलेंगे, जो कि महिमा उसे चुरा लेती है और इसी वजह से अब महिमा उसे छुपाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन अभिमन्यु के वो सबूत हाथ लग जाते हैं और देखने को मिलेगा कि अब उसे सारी सच्चाई पता चलने के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। लेकिन उससे पहले ही अक्षरा सारी सबूत सबमिट कर चुकी होती है और कायरव को सलाखों से बाहर ले आती है। वहीं पर देखने को मिलता है कि अभिमन्यु अक्षरा और कायरव से माफ़ी मांगते नजर आता है कि उसे गलती हो गई थी ये वो। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु को कायरव यहाँ पर उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला और कहेगा तुम्हें एक साल से पता भी है कि मेरी बहन ने क्या फेस किया है, क्या तुमने एक बार भी जानने की कोशिश की कि अक्षरा कभी गलत नहीं हो सकती है। तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ लेकिन वो खुद भी तो मेरे साथ गलत कर रही थी और उसका किसी और के साथ अफेयर था। ये सब कुछ अक्षरा सारे सबूतों के साथ घर वालों को यानी अभिमन्यु को बताती नजर आएगी। वहीं पर अक्षरा साफ इनकार कर देती है कि अब तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे भैया को मुझे छुड़ाना था और मैंने छुड़ा लिया और तुम्हें सबूत दिखाना था, तुम्हारे साथ रिश्ता सही करना था, लेकिन शायद उसकी कोई अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हैं। वहीं अभिमन्यु उसे माफ़ी मांगते नजर आता है लेकिन कायरव बीच में आ जाता है, कहता है कि अब मेरी बहन के पीछे कभी मत आना और उस पर बुरी तरह से भड़कते नजर आएगा। लेकिन अब अभिमन्यु अक्षरा को मनाने के लिए सारी हदें पार करते भी नजर आएगा।